बीपीएससी 70वीं स्पेशल कड़ी चल रही है और आज के दिन का हमारा सब्जेक्ट है साइंस। एनसीईआरटी से हम लोगों ने साइंस के जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल सकते थे वो हम लोग कवर करेंगे। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। उद्देश्य है कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट्स को पढ़ना, समझना, याद करना। और स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सोयाबीन सबसे अधिक प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होता है। ध्वनि तरंग जो है वो निर्वात से यात्रा नहीं कर पाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। खाना पकाने के लिए जो गैस हम लोग यूज करते हैं इसमें ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। कैथोड किरणें जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। आकाश में वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। हम लोग बीपीएससी के लगभग जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर प्रीलिम्स के पहले हर एक टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। आप भी अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का आँख प्रभावित होता है, रतौंधी की बीमारी होती है। चमगादड़ और डॉल्फिन जो है ये प्रश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? तो उसका भार जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु को पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार कम हो जाता है, द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहता है। हे बुखार और दमा ये किस वर्ग के रोग है? तो एलर्जी के। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन औटु ग्रंथि से निकलता है। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है, मीन्स कार के बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बस में ड्राइवर के पास जहाँ ड्राइवर बैठा रहता है वहाँ पे कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये उत्तल दर्पण लगा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो साधारण नाम है वो है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाए जाते हैं। एम्पियर सेकेंड ये आवेश का मात्रक है। तो ये जो मात्रक है एम्पियर सेकेंड ये आवेश का मात्रक है। इस आज के पूरे दिन हम लोग जो कवर करेंगे वो आपको एनसीईआरटी से जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्ज़ाम में, बस हम लोग एनसीईआरटी के साइंस को कवर करने वाले हैं। तो इस तरह से ना आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी यूजफुल सारे वीडियोस बनाए गए हैं। एग्ज़ाम के पहले उसको एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। अब बिना समय गंवाए हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हम लोग जो आज के दिन में और दो अगला वीडियो आएगा जो हम लोग डेली बेसिस पे 3 वीडियो लेकर के आते हैं उसमें हम लोग पूरे एनसीईआरटी के साइंस को कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। अम्लीय वर्षा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वायु प्रदूषण के कारण होता है। शरीर में जो अनीमिया रोग है ये लोहे की कमी के कारण होता है। नीम का पेड़ जो दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पा रहा है क्योंकि इसमें कीटनाशक के स्रोत पाए जाते हैं। मनुष्य में छोटी आंत होती है जो पाचन और अवशोषण का काम करती है। पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये झूठ का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक बार्डिन, ब्राटेन और सॉकले हैं। एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं और विटामिन सी में जो अम्ल रहता है वो स्कॉर्बिक एसिड होता है। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में, आने वाले अगले 2 वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पूरे साइंस को कवर करने वाले हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी यूपीएससी एसएससी सीटीईटी का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप।